नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। क्रिकेट में अक्सर कई कैच सुर्खियां बन जाते हैं, वहीं कुछ कैच ऐसे होते हैं जिन पर विवाद पैदा हो जाता है। कुछ ऐसा ही बिग बैश लीग के क्वालिफायर मैच के दौरान हुआ, जब सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मुकाबले में मेलबर्न स्टार के लेग स्पिनर एडम जंपा का कैच विवादों में आ गया है। कई फैंस इसे बेईमानी बता रहे हैं तो कई लोगों का मानना है कि ये केवल एक इत्तेफाक था। घटना मैच के 12वें ओवर की है, जब सिडनी सिक्सर्स के कप्तान मोजेस हेंड्रिक्स ने शॉट खेला और जंपा ने उनका कैच लपक लिया। इस कैच पर विवाद तब शुरू हुआ जब जंपा स्टोइनिस की गेंदबाजी से पहले 30 गज के अंदर थे, लेकिन जब उन्होंने कैच लपका तो वो 30 गज के बाहर थे। दरअसल एडम जंपा पर आरोप लग रहा है कि उन्हें नियम के मुताबिक 30 गज के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो स्टोइनिस के गेंद फेंकने से पहले ही उसके बाहर चले गए। अगर जंपा 30 गज के अंदर होते तो गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल जाती, लेकिन जंपा ने अपनी फील्डिंग की पोजीशन अचानक बदली और इस वजह से बल्लेबाज आउट हो गया। बता दें, गुरुवार को सिडनी थंडर और हुबार्ट हरिकेन्स के बीच हुए मुकाबले में भी फील्डिंग को लेकर ऐसा ही विवाद हुआ था, जब सिडनी थंडर के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने जंपा की तरह ही अपनी फील्डिंग पोजीशन बदली थी। कमेंट्री कर रहे रिकी पोंटिंग ने इसे बेईमानी बताया था, जबकि हेल्स ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हेल्स के मुताबिक उन्होंने नियमों के मुताबिक ही अपनी फील्डिंग बदली। हेल्स ने कहा, जब गेंद फेंक दी जाती है और आप अगर बल्लेबाज को शॉट घुमाते देखते हैं तो आप फील्डिंग के दौरान आगे या पीछे जा सकते हैं। फील्डिंग में ऐसा करना कुछ गलत नहीं है। बता दें, साल 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ अबुधाबी वनडे के दौरान स्टीव स्मिथ स्लिप पर खड़े थे, लेकिन फवाद आलम को स्वीप शॉट मारते हुए देख वो लेग साइड की ओर आ गए और बल्लेबाज आउट भी हो गया। स्टीव स्मिथ के इस कैच को आईसीसी के नियमों के तहत ही माना गया था। तो आपका क्या मानना है? क्या जंपा का ये कैच सही था या उन्होंने गलत काम किया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।